साइंड बाइनरी नंबर। जब हम कोई भी नंबर सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हम दशमलव नंबर सिस्टम की बात करते हैं, तो हम उसमें जैसे पॉजिटिव नंबर को लिखना होता है तो मान लेते हैं प्लस आठ या प्लस सात, लेकिन उसके आगे प्लस का चिन्ह लगाते हैं या फिर सिंपली सात लिखते हैं, तो हम उसको इनहेरेंटली मान लेते हैं कि पॉजिटिव नंबर। और जब हमें नेगेटिव नंबर लिखना होता है तो हम क्या करते हैं, उसके आगे नेगेटिव का साइन लगाते हैं, जैसे माइनस सात या माइनस आठ। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है, ये हम हमारी कन्वीनियंस के लिए, यानी कि ह्यूमन कन्वीनियंस के लिए, हम विजुअली देख के बताते हैं, मतलब आंख से देख के बताते हैं कि माइनस दस लिखा हुआ है, इसका मतलब ये माइनस नंबर है। लेकिन जब हम कंप्यूटर सिस्टम की बात करें या डिजिटल सिस्टम की बात करें, डिजिटल सिस्टम में सिर्फ जीरो या वन का रिप्रेजेंटेशन होता है, यानी कि लॉजिक जीरो या लॉजिक वन, हाई वोल्टेज या लो वोल्टेज, या बिट जीरो या बिट वन। तो जब भी किसी डिजिटल जो सिस्टम में अपने को कोई नंबर रिप्रेजेंट करना है और यदि उसका साइन भी रिप्रेजेंट करना है, तो हम कैसे करेंगे? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमें माइनस टू को यदि बाइनरी में रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे करेंगे? वहाँ पे माइनस के लिए कोई अलग साइन नहीं होता है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो हम देखते हैं कि साइंड बाइनरी नंबर, साइंड बाइनरी नंबर को अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसको रिप्रेजेंट करने के तीन तरीके हैं। सबसे पहले हम तरीका है साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन, दूसरा तरीका है यूजिंग वन एस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म, और तीसरा तरीका होता है यूजिंग टू एस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। तो सबसे पहले अपन देखते हैं साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन। इसमें क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, हर एक नंबर को एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ बिट में लिखते हैं। जैसे कि मैं बोलता हूँ मेरा 8 बिट का नंबर है, तो हम इस 8 बिट के अंदर क्या करते हैं, एक बिट जो है हमारी, इसको मैं साइन के लिए रिजर्व करता हूँ। जैसे कि मेरा ये एग्जांपल दे रखा है, इसमें 8 बिट है, तो इसमें सबसे जो MSB बिट है, जो सबसे मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, उस बिट को मैं एज ए साइन के रूप में रिजर्व रखता हूँ। यानी कि यदि ये बिट यदि हमारे 0 है तो इसका मतलब नंबर मेरा पॉजिटिव है, और यदि ये मेरी बिट 1 है तो इसका मतलब मेरा नंबर नेगेटिव है। तो यानी कि यदि अपना 8 बिट का यदि नंबर है, तो उस 8 बिट के नंबर में एक बिट हमारी साइन बिट है और 7 बिट जो बाकी वाली है वो उसके मैग्नीट्यूड को दिखाती है। जैसे कि अभी अपने ये 8 बिट का नंबर लिया यहाँ पे साइन मैग्नीट्यूड की फॉर्म में। साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन एग्जांपल है, 8 बिट का कोई नंबर है जिसे हमने साइन मैग्नीट्यूड की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। सपोज करो हमारा नंबर है 0101110010। तो जो ये 8 बिट का जो नंबर है, इसमें से जो हमारी जो पहली बिट है, जो MSB बिट है, वो हमेशा साइन बिट होती है, और जो बाकी की जो बिट है, ये 7 बिट, ये हमारे मैग्नीट्यूड को दिखाती है कि नंबर का मैग्नीट्यूड कितना है। तो ये जो 8 बिट का जो नंबर है, अब चूँकि बिट 0 है, तो 0 का मतलब नंबर पॉजिटिव है, और जिसका मैग्नीट्यूड यदि अपने यहाँ से निकालें तो मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 2 और प्लस 8 10 प्लस 16 26 प्लस 64 90। तो यानी कि ये जो नंबर है ये प्लस 90 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे ही यदि दूसरा एग्जांपल ले, सपोज करो हमने 4 बिट में रिप्रेजेंटेशन किया है साइन मैग्नीट्यूड का, तो जैसे कि ये मेरी 4 बिट है 0101, तो ये बिट MSB ये 0 है, 0 का मतलब पॉजिटिव, ये मैग्नीट्यूड दिखाता अपना 5 को, तो यानी कि ये नंबर जो है हमारा प्लस 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे ही हम दूसरा नंबर ले 1101, तो 1 जो है वो दिखाता है नेगेटिव नंबर को, तो 1 ये हो गया नेगेटिव, और 101 का मतलब मैग्नीट्यूड हो गया इसका 5, तो ये नंबर जो है नेगेटिव 5 को रिप्रेजेंट करता है। तो साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन में हमेशा जो MSB बिट होती है वो साइन को रिप्रेजेंट करती है, और बाकी की जो बिट है वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है। फिर दूसरा तरीका है 1s कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन का। 1s कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में हम क्या करते हैं, जो MSB बिट है उस MSB बिट को वही साइन के लिए रिजर्व रखते हैं। यदि MSB बिट 1 है तो हमारा जो नंबर है वो नेगेटिव है, और MSB बिट मेरी 0 है तो नंबर मेरा पॉजिटिव होगा। पर जो मैग्नीट्यूड जो होता है उसमें पॉजिटिव जो नंबर होता है उसके लिए तो हम जो बाइनरी कोड है उसको एग्जैक्ट ऐसे कैसे लिखते हैं, पर जो नेगेटिव नंबर है उसके लिए अपन क्या करते हैं, नेगेटिव नंबर का 1s कॉम्प्लीमेंट यूज़ करते हैं। और इस जो नंबर है, जैसे कि अपन ने किसी नंबर को n बिट में लिखा, तो उस n बिट के नंबर की जो रेंज होगी, यानी कि मैक्सिमम जो है 2n-1-1 से लेके नेगेटिव में 2n-1 तक के नंबर को रिप्रेजेंट उसमें कर सकते हैं। तो यानी कि फंडा क्या है कि जैसे कि यदि हमारे जो मैग्नीट्यूड की जो बिट है वो यदि अपना नंबर पॉजिटिव है तो हम बाइनरी जो उसका इक्विवेलेंट जो कोड है वो एग्जैक्टली वैसे ही लिखेंगे, और मेरा यदि नंबर नेगेटिव है
तो मैं बाइनरी कोड को 1s कॉम्प्लीमेंट में चेंज करके उसका मैग्नीट्यूड लिखूंगा। आइए देखते हैं एग्जांपल। 1s कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 1s कॉम्प्लीमेंट किसी बाइनरी नंबर का कैसे निकालते हैं। सपोज करो आपको कोई बाइनरी नंबर दे रखा है 1010, तो इसे ही यदि अपने को 1s कॉम्प्लीमेंट में चेंज करना है तो सिंपली आपको क्या करना है, हर एक बिट को 0 को 1 से और 1 को 0 से रिप्लेस करना है। तो 0 है तो 1 हो जाएगा, 1 है तो 0 हो जाएगा, 0 है तो 1 हो जाएगा, 1 है तो 0 हो जाएगा। तो यानी कि 1s कॉम्प्लीमेंट में कैसे किसी नंबर को, जो बाइनरी नंबर को कैसे कन्वर्ट करते हैं, हर एक बिट को अपन उसके कॉम्प्लीमेंट से रिप्लेस करते हैं, 0 को 1 से, 1 से 0 को। अब यदि कोई नंबर है उसको हम 1s कॉम्प्लीमेंट में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो जो पॉजिटिव नंबर है उसका तो सिंपल सा तरीका है कि जो MSB बिट होगी वो 0 है तो नंबर पॉजिटिव होगा, और यदि MSB बिट 1 है तो पॉजिटिव नंबर जो है वो नेगेटिव होगा। अब यदि MSB बिट तुम्हारी 0 है और जो यानी कि तुम पॉजिटिव नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो दूसरा नंबर ऐसे कैसे उसकी जो बाइनरी जो कोड है वो आ जाएगा। और यदि नंबर तुम्हारा नेगेटिव है सपोज, तो तुम क्या करोगे, उसका जो नेगेटिव नंबर का जो मैग्नीट्यूड है वो 1s कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में लिखोगे। यदि फिर इसका एग्जाम्पल देखें, सपोज कर तुम्हें +5 +7 और तुमको -7 को रिप्रेजेंट करना है, तो +7 रिप्रेजेंट करने के लिए तुम्हें क्या करोगा कि सबसे पहले जो बिट है तुम्हारी प्लस के लिए 0 आ जाएगी और 7 को एग्जैक्ट इसके 3 बिट के जो बाइनरी जो कोड है उससे रिप्लेस करोगे। तो 7 के लिए कोड होता है 1 1, तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब अपन बात करें नेगेटिव नंबर की, तो नेगेटिव नंबर के लिए माइनस जो है साइन है उसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं 1 से। अब चूंकि ये नेगेटिव नंबर है तो अपन 7 को पहले बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, तो बाइनरी होता है इसका 1 1 1, और अपन जब इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो बाइनरी को अपन कन्वर्ट करेंगे 1s कॉम्प्लीमेंट में, तो इसका 1s कॉम्प्लीमेंट होता है 1000। तो यानी कि -7 को 1s कॉम्प्लीमेंट अपन रिप्रेजेंट करेंगे 1000 से, ठीक है दोस्तों। और यदि इसके ऊपर रेंज की बात करें, सपोज अपना एक n बिट का यदि नंबर दे रखा है, तो उससे हम 2n-1 से -2n-1-1 तक के नंबर को अपन n बिट के नंबर से शो कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें एक बिट जो है वो साइन के लिए यूज़ में आ गई और बाकी जो बिट है उससे अपन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करते हैं। टू एस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। टू एस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में भी हम MSB बिट को रिजर्व रखते हैं साइन के लिए। जैसे कि MSB बिट हमारी 1 है तो नंबर अपना नेगेटिव होगा, MSB बिट अपनी 0 है तो नंबर अपना पॉजिटिव होगा। तो जो नंबर है जो यहाँ पे, सॉरी ये 1s कॉम्प्लीमेंट की जगह 2s कॉम्प्लीमेंट होगा, जो अपना अब नंबर जो रिप्रेजेंट करना है 2s कॉम्प्लीमेंट, वो कैसे करते हैं, यदि मेरा नंबर पॉजिटिव है तो जो MSB बिट 0 हो गई और जो बाकी का जो मैग्नीट्यूड है उसको हम एग्जैक्टली बाइनरी जो उसका कोड है उसके हिसाब से लिखते हैं, और जो नेगेटिव नंबर है उसके लिए अपन क्या करेंगे, MSB बिट अपनी 1 हो जाएगी और जो मैग्नीट्यूड है उसको अपन 2s कॉम्प्लीमेंट के रूप में लिखेंगे। और जो ये जो 2s कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन है उसमें यदि अपन n बिट यूज़ करते हैं तो उसकी जो रेंज होती है वो पॉजिटिव नंबर की 2n-1-1 होती है और नेगेटिव नंबर की -2n-1 होती है। एग्जाम्पल लेते हैं, अपन एग्जाम्पल से देखते हैं कि 2s कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। 2s कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन, तो सबसे पहले देखते हैं किसी भी बाइनरी नंबर का 2s कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं। 2s कॉम्प्लीमेंट इज नथिंग बट 1s कॉम्प्लीमेंट +1। जैसे कि सपोज करो आपको कोई बाइनरी नंबर दे रखा है 1001, तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले इसको 1s कॉम्प्लीमेंट में चेंज कीजिए। इसका 1s कॉम्प्लीमेंट के चेंज करने के लिए अपन हर एक बिट को उसके कॉम्प्लीमेंट से रिप्लेस करेंगे, 1 को 0 से, 0 को 1 से, 0 को 1 से, 0 से। अब इसको 2s कॉम्प्लीमेंट करना है तो इसमें 1 जोड़ दीजिए, एक जोड़ने से इसमें क्या आएगा, 0 1 1 और 1। तो यानी कि जो 1001 है उसका 2s कॉम्प्लीमेंट 0111 होगा। अब यदि अपने को कोई पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर है जिसका अपने को रिप्रेजेंटेशन करना है तो कैसे करेंगे, सपोज करो कोई पॉजिटिव नंबर है तो जो पहली बिट है जो MSB बिट है वो ऑब्वियसली हमारी साइन बिट होगी। यदि वो 0 है तो नंबर पॉजिटिव होगा और जो मैग्नीट्यूड है उसको अपन एग्जैक्टली वैसे ही बाइनरी के फॉर्म में लिखेंगे। सपोज करो हमने यदि +7 को लिखना है तो वही तरीका, पॉजिटिव नंबर है तो साइन बिट 0 हो गई और जो 7 है उसका एग्जैक्ट बाइनरी कोड यहाँ पे लिखेंगे, तो इसका एग्जैक्ट बाइनरी कोड 1 1 1। अब यदि अपन नेगेटिव नंबर रिप्रेजेंट करना है तो नेगेटिव नंबर के लिए सबसे पहले आपको पता है MSB बिट हो जाएगी 1 1 है जो नेगेटिव को रिप्रेजेंट करता है। यदि अपने को -7 को रिप्रेजेंट करना है तो -7 कैसे रिप्रेजेंट होएगा कि पहली बिट तो 1 हो गई, अब जो 7 है 7 का अपने को 2s कॉम्प्लीमेंट लिखना है। तो 7 का 2s कॉम्प्लीमेंट क्या है, तो 7 का 2s कॉम्प्लीमेंट के लिए पहले अपन देखेंगे इसका बाइनरी नंबर, बाइनरी नंबर क्या होता है 7 का, 1 1 1, इसका 1s कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 0 0 0
फिर इसका 2s कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, अपन प्लस 1 ऐड करेंगे तो 001, तो यानी कि माइनस 7 को लिखना है तो 1 इसकी साइन बिट होगी, इसका मैग्नीट्यूड 2s कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 1001, तो प्लस 7 तो ऐसे लिखा जाएगा और माइनस 7 ऐसे लिखा जाएगा। जहाँ पे अपन ने ये कंप्लीट टेबल है जहाँ पे अपन ने 4 बिट का बाइनरी नंबर लिया है, जिसमें से 1 बिट अपन ने साइन के लिए रिजर्व रखी है, और 0 से लेके अपन 7 तक, या 0 से लेके जो माइनस 0 से माइनस 7 तक, ये जो नंबर है अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसका कंपेरेटिव टेबल दे रखी है। तो यहाँ पे अपन देखें जैसे कि 5 है तो साइन मैग्नीट्यूड में 0101 के रूप में होता है, और माइनस 5 जो है 1101 के रूप में होता है। और सेम यदि अपन 1s कॉम्प्लीमेंट में देखें तो प्लस 5 0101 से होता है, और माइनस 5 1s कॉम्प्लीमेंट में 1010 से होता है, और वही 2s कॉम्प्लीमेंट में देखें तो पॉजिटिव 5 है जो 0101 से होता है, सेम है तीनों में, पर जो वही 2s कॉम्प्लीमेंट में ये 1011 के रूप में होता है। तो ये कंपेरेटिव टेबल है जिसमें अपन देख सकते हैं कि कैसे साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन, 1s कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन और 2s कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में कैसे पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। बाइनरी अर्थमेटिक का मतलब जैसे कि अपन यूजली दशमलव नंबर सिस्टम देखते हैं तो उसमें अपन कोई भी दो नंबर होते हैं उनको या तो ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लिकेट करते हैं या फिर डिवीजन करते हैं। तो जो बाइनरी नंबर सिस्टम है उसमें हम ये अर्थमेटिक ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करते हैं, जैसे कि मान लो मेरे को 2 बिट दे रखी है, 2 बिट का कोई नंबर दे रखा है, या फिर 1 बिट का एक एक नंबर है, या फिर कोई भी बाइनरी जो नंबर दे रखा है अपने को, उन पर हम ये ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करते हैं, एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, डिवीजन कैसे करते हैं, देखते हैं एग्जांपल से। बाइनरी अर्थमेटिक्स तो इसमें हम चार तरीके के ऑपरेशन पढ़ेंगे, सबसे पहला एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, जोड़ बाकी गुणा और भाग। कि यदि हमें बाइनरी नंबर सिस्टम दे रखा है तो बाइनरी नंबर सिस्टम में हम अर्थमेटिक कैसे परफॉर्म करते हैं, सबसे पहले अपन एडिशन की बात करें। सपोज करो कि एक अपने पास में बाइनरी वेरिएबल है ए, और एक अपने पास में बाइनरी वेरिएबल है बी, ये दोनों एक एक बिट के बाइनरी वेरिएबल है, और हमें एक ऑपरेशन परफॉर्म करना है ए प्लस बी, यानी कि ए और बी को जोड़ना है। तो यहाँ पे ए जो है वो ओगेंड है, बी जो है हमारा एडेंड है, और हमारा इन दोनों का जो जोड़ है वो सम आएगा, और यहाँ से कोई भी कैरी जनरेट होगी। तो हम देखते हैं कि कोई भी एडिशन है, ए एक बिट का है, बी भी एक बिट का है, ए की वैल्यू 1 हो सकती है, ए की वैल्यू 0 हो सकती है, बी की वैल्यू 1 हो सकती है, 0 हो सकती है। तो हम सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन देखते हैं, जैसे कि ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 0 है, ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 1 है, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 0 है, ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू 1 है। इन सब का बिट वाइज यदि एक बार एडिशन करके देखें तो बिट वाइज एडिशन कैसे होता है कि 0 प्लस 0 0, यानी कि सम 0 और कैरी 0, 0 और 1 को ऐड करें तो 1, तो सम आ गया 1, कैरी आ गई 0, 1 और 0 को ऐड करें तो सम आ गया 1, कैरी आ गई 0, और 1 और 1 को ऐड करें तो सम आ गया 0 और कैरी आ गई 1। तो ऐसे बिट वाइज एडिशन होता है कि यदि एक भी बिट के नंबर है तो इंडिविजुअल बिट ऐसे ऐड होती है। अब यदि अपने कोई जनरल नंबर दे रखा है, जैसे कि 4 बिट का अपन एडिशन करें, 4 बिट का एडिशन, कोई एक नंबर है जो अपने 4 बिट में दे रखा है, दोनों नंबर है 4-4 बिट में दे रखे हैं, तो वो कैसे एडिशन होगा। सपोज करो अपने पास 2 नंबर है, एक है 11 और एक अपने पास नंबर है 10, इन दोनों को अपने ऐड करना है इन बाइनरी। तो 11 का बाइनरी कन्वर्जन क्या होता है और 10 का बाइनरी कन्वर्जन क्या होता है, इन दोनों को हमें ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे, बिट वाइज ऐड करेंगे। सबसे पहले हम LSB से शुरुआत करेंगे, ये इधर LSB है, LSB से MSB की तरफ जाएंगे। तो LSB के लिए LSB से शुरुआत करेंगे, तो सबसे पहले 1 और 0 1, 1 एंड 1
अपने को पता है वन एंड वन सम जीरो है, कैरी वन आएगी तो कैरी हम यहाँ आगे फॉरवर्ड कर देंगे ऊपर, तो जीरो एंड जीरो 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 एंड ऊपर कैरी वन, तो ये वन हो गया, फिर वन और वन सम जीरो हो गया, कैरी वन आ गई, तो इसमें फाइनली अपने पास रिजल्ट क्या आया, कैरी बराबर वन एंड सम बराबर जीरो वन जीरो और कैरी क्या आ गई वन। तो ऐसे हम कोई भी जो जनरल नंबर दे रखा था वैसे परफॉर्म करते हैं। ये बिट वाइज अपन ने एक एक इंडिविजुअल बिट देखी कि जीरो प्लस जीरो जीरो होता है, सम जीरो कैरी जीरो, जीरो प्लस वन अपना सम वन होता है, कैरी जीरो होती है, वन प्लस जीरो सम वन होता है, कैरी जीरो होती है, वन प्लस वन में सम जीरो होता है, कैरी वन होती है, और जनरल कोई फोर बिट का है या फिर उससे ज़्यादा बिट का है तो वो पहले इंडिविजुअल बिट वाइज इसको ऐड करते हैं, कैरी आगे फॉरवर्ड होती जाती है। तो ऐसे हम एडिशन परफॉर्म करते हैं। सब्ट्रैक्शन हम देखते हैं सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, फिर वही हम कंसीडर करते हैं कि अपना कोई ए बाइनरी वेरिएबल है और बी एक दूसरा बाइनरी वेरिएबल है और हमें सब्ट्रैक्शन करना है ए माइनस बी। तो जब ए माइनस बी करेंगे तो हम ए को बोलते हैं माइन्यूएंड और बी को बोलते हैं सब्ट्राहेंड, और जो रिजल्ट आएगा वो होगा तुम्हारा डिफरेंस, और जो यहाँ से कोई भी यदि बोरो जनरेट हुई तो हम उसको बोलते हैं बोरो। तो ये बेसिक नोटेशन का तरीका है। हम जैसे अब बिट वाइज की बात करें, सपोज हमें ए माइनस बी करना है, ए की वैल्यू क्या हो सकती है, जीरो माइनस जीरो या फिर जीरो वन, वन जीरो या वन वन। तो इसमें हम देखें तो जीरो माइनस जीरो होता है जीरो, तो डिफरेंस क्या आया जीरो, और बोरो क्या हुई जीरो। यहाँ पे देखें जीरो बट जीरो माइनस वन, तो जीरो में से वन नहीं जा सकता, इसलिए यहाँ से क्या हो गया बोरो आएगी, बोरो लेंगे अपन वन, और यहाँ पे आ जाएगा वन जीरो, तो वन जीरो में से वन गया तो डिफरेंस क्या आ जाएगा वन, फिर वन जीरो में से देखें तो डिफरेंस क्या आएगा वन और बोरो क्या आ जाएगी जीरो। ऐसे ही वन माइनस वन देखें तो डिफरेंस क्या आ जाएगा जीरो और बोरो क्या आ जाएगी जीरो। तो ये तो एक सिंगल बिट के लिए हुआ। अब हम ऐसे कोई जनरल एग्जांपल ले, सपोज जैसे हमें 15 माइनस 13 करना है, जनरली ये दशमलव नंबर दे रखा है, तो इसका यदि बाइनरी इक्विवेलेंट देखें तो 15 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होता है वन 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 एंड वन, और 13 का जो बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होता है वन वन जीरो वन। अब इन्हें हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है 15 माइनस 13, तो अपन बिट वाइज सब्ट्रैक्शन करेंगे। बिट वाइज सब्ट्रैक्शन वन माइनस वन क्या हो जाएगा जीरो, वन माइनस जीरो क्या हो जाएगा वन, वन माइनस वन क्या हो जाएगा जीरो, वन माइनस वन क्या हो जाएगा जीरो। तो ये फाइनल आंसर हो गया। ऐसे ही हमें जैसे कि करना है 15 माइनस 14, तो ये क्या होगा, 15 का अपने को पता है डेसिमल बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होता है वन वन वन, 14 का क्या होता है जीरो, अगेन वन जीरो वन जीरो 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 किया जाएगा। एक और एग्जांपल देखिए अपन, जैसे कि 9 माइनस 8, तो 9 का क्या होता है तीन बिट में नंबर, चार बिट में हम 9 को कैसे लिखेंगे और 8 को कैसे लिखेंगे जीरो जीरो, फिर इसको घटाएं तो 1 0 0 0। तो ऐसे इंडिविजुअल बिट के थ्रू हम सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं जब अपने को एक या एक से ज़्यादा बिट का नंबर दे रखा होता है। हमें रूल किसका ध्यान रखना है, इंडिविजुअल बिट का, क्या जीरो माइनस जीरो जीरो होता है डिफरेंस, बोरो जीरो होती है, जीरो माइनस वन में ऑब्वियसली डिफरेंस जीरो माइनस वन जाएगा नहीं, तो इसलिए बोरो एक लेंगे, एक बोरो लेते हैं वन जीरो हो गया, वन जीरो में से वन जाएगा तो डिफरेंस वन हो गया, बोरो वन हो गई, वन जीरो में से वन में से जीरो गया तो डिफरेंस वन हो गया, बोरो जीरो हो गई, वन में से वन गया डिफरेंस जीरो हो गया, बोरो जीरो हो गई। तो इस बेसिक रूल्स के हिसाब से हम कितने भी बिट का नंबर दे रखा है उसमें सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो ये काफ़ी दशमलव जो डेसिमल नंबर में जैसे अपन करते हैं उसके लगभग सेम ही है। इसमें जैसे कि अपने पास में दो बाइनरी वेरिएबल है ए और बी, तो इसकी जो पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, जैसे हमें एक ए इंटू बी एक ऑपरेशन परफॉर्म करना है, यानी कि ए मल्टीप्लाई बाई बी, तो ए जो हमारा होता है ये मल्टीप्लिकेंड होता है और जो बी हमारा होता है ये मल्टीप्लायर होता है, यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट आता है रिजल्ट में। तो सपोज करो हम ए और बी देखें, एक को सिंगल बिट का नंबर है तो इनके पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या होता है, जीरो इंटू जीरो, जीरो इंटू वन, वन इंटू जीरो या वन इंटू वन, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग रिजल्ट क्या आएंगे, जीरो इंटू जीरो जीरो, जीरो इंटू वन वन, वन इंटू जीरो जीरो, वन इंटू वन वन। तो ये तो इंडिविजुअल बिट की है। सपोज करो हमें कोई किसी नंबर का करना है, जैसे कि 15 इंटू 3 करना है, तो पहले तो इसको इसके कॉरस्पॉन्डिंग बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करते हैं, तो वन का होता है वन 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 और थ्री का क्या होता है वन वन। तो हम इसको करेंगे मल्टीप्लिकेशन, तो पहले जो पहली बिट है उससे सबको मल्टीप्लाई करें वन 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 वन,
फिर वही क्रॉस लग के आगे शुरुआत होगी वन 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 वन, फिर इनका एडिशन हो जाएगा वन वन एंड वन, वन ज़ीरो ज़ीरो सम आ गया, कैरी आगे फॉरवर्ड हो गई तो वन और वन, वन ज़ीरो और वन, वन 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 का वन रह जाएगा, कैरी आगे फॉरवर्ड हो जाएगी वन वन और वन, वन ज़ीरो और वन, वन 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 का वन रह जाएगा, कैरी आगे फॉरवर्ड हो जाएगी वन वन का वन ज़ीरो हो जाएगा और यहाँ पे वन एज ए कैरी आ जाएगी। तो फाइनल आउटपुट अपना क्या आएगा कि सम जो हो जाएगा वो ज़ीरो डबल वन ज़ीरो वन और कैरी वन, यानी कि इस फॉर्मेट में इसका प्रोडक्ट आएगा। तो सिंपल सा बाइनरी नंबर की तरह, बाइनरी नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन है वो लगभग डेसिमल नंबर की ही है, बस हमें ध्यान क्या रखना है ये बेसिक बिट का कैलकुलेशन कि जीरो इंटू जीरो ज़ीरो होता है, जीरो इंटू वन वन होता है, वन इंटू ज़ीरो ज़ीरो होता है, वन इंटू वन वन होता है। डिवीज़न, डिवीज़न के लिए सिंपल सी बात है, फिर वही जैसे अपन के पास दो कोई नंबर है ए बी और अपन को ए डिवाइड बाई बी परफॉर्म करना है, तो जो ए होता है हम उसे कहते हैं डिवाइडेंड, और जिस जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको बोलते हैं डिवाइज़र, और इससे जो रिजल्ट आता है वो होता है, एक तो होता है कोशेंट और जो बच जाता है उसे बोलते हैं अपन रिमाइंडर, ठीक है। जैसे हमको ए बाई बी करना है सिंपली, इसको हम डायरेक्टली एग्जांपल से करते हैं, जैसे कि सपोज करो आपको कोई बाइनरी नंबर है जैसे कि वन वन ज़ीरो ज़ीरो, इसमें आपको वन ज़ीरो डिवाइड करना है, तो कैसे होएगा? सिंपल सी बात, पहले वन ज़ीरो जो है वो वन टाइम जाएगा तो यहाँ आ जाएगा वन ज़ीरो, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा वन, फिर ऊपर से अपन ज़ीरो लेंगे तो कितनी बार जाएगा वन टाइम्स, अपन लिख दिया वन, ये आ जाएगा वन ज़ीरो, क्रॉस हो गया, फिर ऊपर से क्या आ गया ज़ीरो, तो ये जाएगा ज़ीरो टाइम्स, तो ये ज़ीरो आके ज़ीरो हो गया, तो यानी कि वन ज़ीरो का इसमें वन वन ज़ीरो टाइम्स जाएगा। सिंपल सी कैलकुलेशन है। यदि इसको अपन डेसिमल इक्विवेलेंट में देखें तो ये जो अपना नंबर था ये सिक्स था, ये नंबर टू था, सॉरी ये नंबर ट्वेल्व था, तो ट्वेल्व में टू का वर्ग टाइम कितनी आ जाता है सिक्स टाइम्स, यहाँ सिक्स ये ट्वेल्व ये ज़ीरो, तो ये इक्विवेलेंट है सिक्स के। सिंपल सी, जो जैसे डेसिमल में करते हैं उसे ऑलमोस्ट उसके इक्विवेलेंट ही है, बस ध्यान ये रखना है कि ये जो डिवाइज़र है, डिवाइज़र में जब आप इसके कोशेंट का जो पहला पार्ट लो उसको मल्टीप्लिकेशन के रूल अपने जो प्रीवियसली जो बिट वाइज अपने मल्टीप्लिकेशन दिया था वैसे सेम रखना है, तो ऐसे हम डिवीज़न परफॉर्म करते हैं।